हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी लाई हूँ। आज की कहानी का नाम है पिंकी का फूल। पिंकी का फूल। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी अपने पापा के साथ रहती थी। एक दिन पिंकी अपने चहेते फूल को लेकर खेलने गई। उसको गुलाब का फूल बेहद पसंद था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं। वाह, कितना सुंदर फूल है, ये मेरे बगीचे में हुआ है, मैं आज सबको जाके दिखाऊंगी। चिंकी को, मोंटी को, सबको मैं ये फूल दिखाऊंगी, वो सब भी बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा बोल के पिंकी खेलने चली गई। और वो खेलने गई तो चिंकी आई उधर और मोंटी भी आया। चिंकी ने देखा, अरे वाह पिंकी, तुम्हारा फूल तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए। अरे चिंकी, ये मेरे बगीचे में हुआ था, मुंटी बोला। अरे वाह पिंकी, बहुत ही सुंदर फूल है, चलो अब इसको साइड पर रखो, हम खेलने जाते हैं। तब पिंकी ने अपना गुलाब का फूल वहीं पे साइड पे रखा और वो तीनों खेलने लगे। लेकिन चिंकी का ध्यान गुलाब के फूल पर था, उसे गुलाब का फूल बहुत पसंद आया था। अरे वाह चिंकी का ये गुलाब का फूल, क्या मैं ले लूँ, मुझे ये बहुत पसंद है और मेरे बगीचे में तो ये होता भी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, चुपचाप से पिंकी का फूल लेके छुपा देती हूँ, फिर जब घर जाऊंगी तो ले जाऊंगी चुपचाप से और किसी को पता नहीं चलेगा। और चिंकी ने पिंकी का फूल चुरा लिया। अब जब चिंकी फूल ले रही थी, मोंटू ने उसे देख लिया और मोंटी बोला, अरे ओ चिंकी, ये तो पिंकी का फूल है, तुम क्यों ले रही हो। तो चिंकी बोली, अरे श्श, बिल्कुल आवाज मत करना मोंटी, देखो ये बात तुम किसी से मत कहना कि मैंने गुलाब का फूल लिया है, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारी गुडीज दूंगी, ठीक है मोंटी। मोंटी तो सोच में पड़ गया, ये तो गलत काम है, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन क्या करे, वो वहां से फिर चला गया। अब जब तीनों खेल कर घर जाने लगे, उस टाइम पिंकी को याद आया, अरे मेरा गुलाब का फूल तो रह गया, मैं उसे लेकर घर जाऊंगी। और जब ये अपना गुलाब का फूल ढूंढने लगी, उसे वो फूल कहीं नहीं दिखा और वो रोने लगी, अरे मेरा गुलाब का फूल कोई ले गया, मुझे चाहिए, वो मेरा बहुत पसंदीदा फूल था, अब मैं क्या करूं। अब पिंकी की रोने की आवाज सुनकर उसके पापा घर के बाहर आ गए। अरे पिंकी, क्यों रो रही हो, क्या हुआ। पिंकी बोली, पापा मेरा कोई गुलाब का फूल ले गया, मुझे चाहिए, वो फूल मुझे अब भी चाहिए। उसके पापा ने बोला, रुको पिंकी, हम सबको पूछते हैं। तभी पापा ने चिंकी को बुलाया, मोंटी को बुलाया और पिंकी तो थी ही वहां पर। तब पापा ने पूछा, अरे बच्चों, तुम्हें कुछ पता है पिंकी का गुलाब किसने लिया है। दोनों ने कहा, नहीं हमें नहीं पता है। लेकिन मोंटू को बुरा लग रहा था कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर थोड़े समय बाद पापा ने कहा, देखो बच्चों, अगर तुम लोग ने नहीं लिया है तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ढूंढना तो पड़ेगा, वो गुलाब कौन ले जा सकता है। और पुलिस के नाम सुनकर चिंकी डर गई, मोंटी भी डर गया। तो मोंटी ने सोचा, वैसे भी ये गलत काम है, मैं बता दूंगा चिंकी, मैं तुम्हारा नाम बताने जा रहा हूँ। और फिर मोंटी ने चिंकी का नाम पिंकी के पापा को बता दिया। अरे अंकल, मुझे माफ करना, मुझे पता था ये फूल किसने लिया, ये फूल चिंकी ने लिया है, अब उसको पूछो। अब चिंकी की बारी आई, पापा ने चिंकी को पूछा तो चिंकी रोने लगी, मुझे माफ कर दो अंकल, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद
ऐसी चुराने की हरकत कभी नहीं करूंगी। तब पिंकी ने पापा ने कहा, देखो बच्चों, चोरी करना बुरी बात है, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए, ठीक है? ये बुरी आदत है, हमें हमेशा अच्छी आदत रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। तो आज की कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों? चोरी करना और झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है, हमें हमेशा अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, ठीक है बच्चों? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक बाय बाय।